कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। बेसिकली एरी में जॉब करने से पहले मैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जॉब किया करता था, वो देहरादून में मेरी पोस्टिंग थी। उसी दौरान मैं दिवाली की छुट्टियों पर घर आया हुआ था, तो लकीली एरीज से मेरा एडमिट कार्ड आ गया कि आपकी परीक्षा है। किस्मत अच्छी थी कि लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो गया और उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। जी, तो जी। प्रोफेसर राम सागर वो मुझसे बोले, बोल मोहित जी आपको अगर ये जॉब दिया जाए करोगे कि नहीं करोगे? मैंने पूछा सर आप क्यों पूछ रहे हैं मुझे ऐसा? तो उनका कहना था कि आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हैं, सेटल हैं, अच्छे शहर में। मैं देहरादून में था, अच्छे शहर में है, सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो इरीज जो है वो एक रिमोट प्लेस है, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी कुछ है नहीं और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो मैंने सर उस दिन खुल के बोला उनको कि सर आने वाला समय जो है साइंस के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, वो एरीज का है और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि मैं इसका एक हिस्सा बनूं, मैं अपना इसमें योगदान दूं। क्या बात। और सर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये दूरबीन उस समय लगी नहीं थी, तो उस साइट का, ये देवस्थल साइट का जो आपने अभी चित्र देखा पूरा का पूरा, जहां पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, उस साइट का सर मुझे इंचार्ज बनाया गया। उस समय पे ये साइट बेहद लिमिटेड फैसिलिटी, सड़क का बिल्कुल अभाव, बिजली पानी बिल्कुल मिनिमम, अगर एक बार बिजली चली जाए 3 दिन तक नहीं आएगी। तो मुझे सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस साइट को विकसित करिए और इसको दुनिया को दिखाइए। और दुनिया को दिखाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? इंटरनेट। अब सर जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहां पहले हमने वो सारी सुविधाएं एक एक करके जोड़ी, उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से इसको जोड़ा गया, फिर धीरे 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 उत्तर उत्तर इसका विकास हुआ। कई सालों के प्रयास के बाद सन 2016 में ये दूरबीन मोदी जी द्वारा बेल्जियम से टेक्निकली रिमोटली इनॉग्रेट की गई। रिमोटली जी, बेल्जियम से सर, यूरोप से। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ इस दूरबीन में मेरा एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा बहुत बड़ा योगदान। तो ये दूरबीन जो है अंतरिक्ष में देखती है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उनको देखती है। कुछ तस्वीरें हमने देखी अभी जी, ये मान लीजिए ये चित्र जी, जी जी जी, ये क्या है सर? ये केकड़े की आकृति है, क्रैब नेब्यूला इसको बोलते हैं। क्रैब नेब्यूला जी। होता क्या है सर, जब तारा अपने जीवन के अंतिम चक्र में होता है तो उसमें एक एक्सप्लोजन होता है, वो टूटता है। अच्छा। उस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। ये वो है सर, हमें लगता है तारा बहुत छोटी सी चीज है, तारा बहुत 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 विशाल काय चीज है। जब ये फूटता है इसमें से कई सारी गैसेस निकलती हैं, डेब्रिस निकलता है, तो वही सब जो हमको दिखता है वही है। आप यकीन मानेंगे सर इसकी दूरी कितनी होगी हमारे यहां से? मैं बताता हूं सर, इसकी दूरी है 6500 लाइट ईयर। हे भगवान। अब मैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, उसकी व्याख्या करूंगा। लाइट की जो स्पीड है, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है 60 किलोमीटर घंटा, वैसे लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जी। उसको आप गुणा 60 कीजिए क्योंकि मिनट बनेगा, तो 1 मिनट में चलेगा 3 लाख गुणा 60 किलोमीटर। उसको आप मिनट को घंटे में लाइए, हे भगवान, तो उस घंटे को दिन में लाइए इंटू 24, उस दिन को साल में लाइए इंटू 365। 3 लाख गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24 गुणा 365, ये 1 लाइट ईयर किलोमीटर है। हे भगवान। तो ये सर 6500 लाइट ईयर है, तो आप सोचिए कितनी दूर है। और ये आपके टेलीस्कोप ने देखा है जी। ये तो सैटर्न है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये सर टेलीस्कोप का रॉ इमेज है। सैटर्न को हर लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, बट जो टेलीस्कोप से दिखता है वो ये दिखता है सर। जहां तक हमारी जानकारी है इसमें केवल गैसेस होती हैं। जी सर, ये गैस जायंट है, ये जो भी होता है ना सर, ये गैस होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये वही सब होता है। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये चमकते हैं। और ये शनि ग्रह जो है सर, ये सौर मंडल का छठा ग्रह है। हाँ जी, बेहद खूबसूरत। अरे एक ये और आ गया देखिए, इसकी तो एक पूंछ भी है जी। सर ये क्या है, ये इसमें? ये सर एक गैलेक्सी है, NGC 613, एक स्पाइरल बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। ये जैसे हमारी एक गैलेक्सी है, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और पृथ्वी ग्रह गैलेक्सी में मिल्की वे बोलते हैं जिसको, आकाश गंगा, वैसे ही ये भी सर एक गैलेक्सी है। इसके सेंटर में स्टार होते हैं, तो उनसे मिलकर ये गैलेक्सी बनी हुई है। अच्छा। और वो जो आपको एक पर चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है सर, हाँ जी, ये भी एक तारा है। और सर अभी जैसे मैंने आपको बताया था क्रैब नेबुला के बारे में, कितना दूर है आप अंदाज लगा सकते हैं ये कितना दूर होगा? तो उतने ही दूरी होगी इसकी भी। सर ये उससे कहीं 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 दूर है, 67 मिलियन लाइट ईयर।
67 मिलियन लाइट ईयर्स जी। हे भगवान, इसको फिर देखते कैसे और कैसे अनुमान लगाते हैं कि इतनी दूरी पर है? सर यह है, ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो इस दूरबीन से अनोखी अनोखी रिसर्च कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं उनको आज यहां बैठ के। गर्व से कहते हैं सर, आज इस दूरबीन को कोई भी साइंटिस्ट दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के ऑपरेट कर सकता है। ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए है, उनके लिए एक जोरदार ताली बनती है सर। क्या बात, हमारा मन जो है वो खेल की ओर जा ही नहीं रहा है। हम कहें छोड़ो यार, इसको यही बात करते हैं इतना है कि नहीं? सर एक बात कहनी छोटी सी। हाँ जी बोलिए। सर ब्रह्मांड में इतने सितारे हैं, तारे हैं, लेकिन सर जो चमक आप में है सर ना, आप इस संसार के सबसे बड़े चमकदार सितारे हैं सर। मैं उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में एक छोटे से हिल स्टेशन रामगढ़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ों में सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की शांति है, और दूसरी बात यहाँ का स्वास्थ्य। बचपन से ही ये पहाड़ों पे ही रहे हुए हैं, फैमिली हमारी बहुत हैप्पी है, ये केयरिंग लविंग बढ़िया इंसान है बहुत। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन अगर मैं कहूँ तो वो हमारा बेटा है। हम उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं, जब वो साइकिलिंग कर रहा होता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। मोहित जी को पहाड़ों से बहुत प्रेम है, इसीलिए इन्होंने क्या करा, जॉब भी होम टाउन के पास ही ली है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि एरीज नैनीताल के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, वहां पर कंप्यूटर इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ पे लगे हुए ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लिए मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जब से यह दूरबीन चालू हुई है कई कई नई खोजें हुई हैं। जब इस दूरबीन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसको एशिया के सबसे बड़े दूरबीन की तरह लेकर काम प्रारंभ किया गया था, और आज मुझे यह बहुत कहते हुए खुशी है कि आज की तारीख में यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसकी पॉइंटिंग एक्यूरेसी 1 arc second की, इसका अर्थ ये हुआ 1000 किलोमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु पर यह सटीक लक्ष्य कर सकती है इस दूरबीन से। हमने अभी एक नया ऑप्टिकल फाइबर जोड़ा हुआ है। हाँ। इसको लगने के बाद डेटा एक्सेस करने में आपको जो समय लगता था उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस टेलीस्कोप है। यह जो दूरबीन है यह लगातार वैज्ञानिकों के लिए, अभियंताओं के लिए और शोध छात्राओं के लिए, देश ही नहीं विदेश के सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये अपनी क्लास की एक वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप है, और जो ये साइट है ये इसको और भी अधिक खूबी प्रदान करती है। सर ये तो अद्भुत समाचार मिला हमें, और रोंगटे खड़े हो गए सर। बिल्कुल सर, देख करके, और कितने गर्व की बात है कि आज ये भारतवर्ष में इस तरह का एक यंत्र है जो कि विश्व विख्यात, और जैसा कि हम सुन रहे थे कि एशिया भर में सबसे बड़ा और बेस्ट और एक्यूरेट है। सर सबसे पहले तो मैं आपकी जो टीम मेरे पास आई थी शूट करने के लिए, मैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस तरीके से इस दूरबीन को दिखाया। जी 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 सर, हमारी दिली महत्वाकांक्षा है कि इस टेलीस्कोप को दुनिया देखे। जी जी, और इस टेलीस्कोप से जो रिजल्ट आए उनको दुनिया देखे। जी जी, इस दूरबीन का नाम ही डॉट है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप।